सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। और आज मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इकाई का अंक फाइंड करना है ना, यूनिट प्लेस, जो यूनिट डिजिट होती है उसको कैसे फाइंड करते हैं, ये सर ने बताया था। मैं आज उसकी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसे हर कोई नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है ना। 80% लोग उनमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं और 20% कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सबसे सिंपल चैप्टर होता है मैथ का यूनिट डिजिट को फाइंड करना, मतलब इकाई का अंक निकालना है। कुछ भी दिया रहता है, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, है ना, कुछ भी दिया रहता है, उसमें एक सीरीज दी होती है, उसमें पूछा जाता है इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, हो सकता है मल्टीप्लाई हो सारे, हो सकता है प्लस करके लिख देते हैं ना। तो कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें कन्फ्यूज कर देते हैं और हम वहां से सॉल्व करना थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, बल्कि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं पर हमें उनकी कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहते। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। यदि आपको मालूम है तो चलिए बताइए कि यदि मुझे फाइंड करना है 20 फैक्टोरियल की पावर 15, तो इकाई का अंक इसका क्या आएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, 3 फैक्टोरियल की पावर 150। थर्ड क्वेश्चन ये है, 155 की पावर 155 माइनस 166 की पावर 199, इसका आंसर क्या आएगा। 1, 2, 3 और इसके बाद 14 की पावर 14 इंटू 16 की पावर 16 इंटू 15 की पावर 15 इंटू 13 की पावर 13, ठीक है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो हम सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे तो सर ने बताया था आपको नंबर सिस्टम का, सीरीज का, ठीक है, नंबर सिस्टम, उसमें बताया है कि यूनिट प्लेस, जो यूनिट डिजिट है, कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू में बस आपको 3 रूल याद करने हैं, बहुत सिंपल से है, ठीक है ना। रूल क्या है देखो, यहाँ पे सिंपल सा रूल है कि 0 की पावर, 1 की पावर, 5 की पावर और 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा वही आता है। 5 की पावर 1 लिखो तब भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 लिखो तब भी एंड में 5 आएगा, मतलब इकाई का अंक 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 की पावर 3 होगा तो 125 हो जाएगा, तब भी 5 रहेगा। तो इनकी पावर कुछ भी हो हमेशा यही आता है, 1 की पावर 1 ही आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम है 4, 6, 4 और 9 में, दूसरा रूल किन में, 4 और 9 में। मतलब क्या हुआ कि अगर 4 की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, 4, और 4 की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा, 6। मतलब जब भी 4 की घात, 4 की जो घात या पावर होती है, यह ना 4 की घात अगर विषम है तो 4 आएगा, 9 की घात विषम है तो 9 आएगा। विषम में याद रखो, विषम है तो वही आता है, 4 का 4 आएगा, 9 का 9 रहेगा। लेकिन अगर सम है, लेकिन अगर सम है, ये कितनी हो जाएगी, सम मतलब 2 हो गई, तो कितना हो जाएगा, 16, मतलब 6 आ जाएगा। और ये अगर सम हो गई, सम का मतलब 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 81 मतलब बनाया, ठीक है। तो 4 में 4 की पावर अगर विषम है तो 4 ही रहेगा, मतलब 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 ही रहेगा, और इसकी 9 की पावर ऑड है तो 9 ही रहेगा, बस इवन में चेंज हो जाता है, तो 4 का 6 हो जाता है और 9 का 1 हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा रूल क्या है, 2, 3, 7, 8, इनकी पावर कुछ भी हो हमेशा 4 से भाग देते हैं, ठीक है, इनकी पावर कुछ भी हो 4 से भाग देंगे, और जो भी रिमाइंडर बच रहा है, भाग 4 से देना है और शेषफल देखना है, शेषफल कितना बचा है, शेषफल 4 से भाग देंगे या तो शेषफल 1 बचेगा या 2 बचेंगे या 3 बचेंगे या कुछ भी नहीं बचेगा।
अगर शेषफल एक बच रहा है तो एक लिख देते हैं पावर में, दो बच रहा है तो दो लिख देते हैं, तीन बच रहा है तो तीन लिख देंगे, और अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तो चार लिखेंगे। कैसे देखो यहाँ पे सब कुछ करो, छोटा सा क्वेश्चन इसको देखो, इसको मुझे सॉल्व करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले एक रूल, तीन रूल तो ये होगा, दो रूल और लिखो अपने मन से, मैं बता रहा हूँ इसको, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन सारे सिंपल हो जाएंगे। एक रूल ऐसा है कि हमें जब इकाई का अंक निकालना हो तो क्वेश्चन में भी सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, ये सारे जो इसके पहले कुछ भी लिखा हो, चाहे यहाँ से बन बन फूल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बस हमें क्या करना है, हमें मतलब है इकाई के अंक से, ये सबको हटा दो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन क्या कर लिया मैंने, इकाई का अंक निकालना था तो इकाई के अंक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मुझे, अगर आपको ये रूल पता नहीं है तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्या करना है, बस चार का भाग दो घात में, और जो भी रिमाइंडर बच रहा है, जो भी शेष फल बच रहा है उसको लिख दो उसकी जगह पे, बस और कुछ नहीं करना है, कोई रूल पता नहीं है। अगर पता है कि 0.56 की पावर कुछ भी हो वही आता है, तो देखो यहाँ पे 4 की पावर कितना है, 14, 14 कैसा होता है, सम होता है, मैंने बोला था 4 की पावर अगर विषम होती है तो 4 ही आता है, लेकिन सम हो जाती है तो 6 आ जाता है, तो 4 की पावर 16 है तो क्या आएगा, यहाँ से 6 आएगा। और अगर आपको रूल पता नहीं है तो क्या करोगे आप, 4 का भाग दोगे 14 में, 4 थी 12, बचेंगे कितने 2, तो 4 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 16, 4 × 16 तब भी 6 आ जाएगा, ठीक है। मैं दोनों तरह से बताता जा रहा हूँ, अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो वैसे समझ आ जाएगा। फिर मैंने एक डायरेक्ट रूल बताया था कि 6 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 0.56 इनकी पावर कुछ भी हो वही आता है, तो देखो यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 की पावर कुछ भी हो 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें कैसे निकालेंगे, तो अगर रूल पता नहीं है तो 16 में देंगे 4 का भाग, 4 × 16 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 × 16 पूरा कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोला जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा हो तो 4 लिखते हैं, इसका मतलब 6 की पावर 4 लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 6 की पावर 4। अब 6 की पावर 4 का मतलब है 6 को 4 बार लिखेंगे, तो देखो यहाँ से 2 बार यहाँ 36 हो जाएगा, इंटू 36 यहाँ हो जाएगा, फिर इकाई का अंक हटा मतलब इकाई के अंक से मतलब है हमें, तो 6 फिर आ जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, मतलब 6 फिर आ जाएगा, है ना, तो कह रहे कि मतलब 6 आएगा वो। 5 की पावर 15 लिखा हमें, 15 फिर 4 से भाग दो, 4 × 3 = 12, 13 × 2 = 15, 3 बचेगा, 5 की पावर 125 मतलब 5 आ जाएगा, कहने का मतलब हमें मालूम है 6 की पावर कुछ भी हो 6 आ जाएगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आ जाएगा, 4 की पावर सम था इसलिए 6 आ गया, और 3 की पावर में क्या रहता है 4 का भाग देना ही पड़ता है, इनमें 2, 3, 7, 8 इनमें 3 का 4 का भाग देना ही पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। तो 2, 3, 7, 8 में इसमें 3 वाला है तो 3 की पावर 12 है 13 है, तो 4 × 12 बचेगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो मैंने बोला बस इकाई का अंक लेना है मुझे, मल्टीप्लाई करते जाओ, दाही का अंक हटाते जाओ, सारे अंक हटाते जाओ दाही से, तो 6 × 36 कितना आ जाएगा 36 आया, मैंने 3 को हटा दिया, बस 6 का मतलब है, इंटू 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, मैं 1 को रखा 5 हटा दिया, सॉरी 15 आ गया, 15 में 5 को रखकर 1 हटाया, क्योंकि इकाई का अंक लेना है मुझे, बस यहाँ से क्या आ जाएगा 56 × 30 मतलब 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। बस हमें इकाई का अंक चाहिए, तो दहाई और उसके बाद के सारे अंक हटाते जाओ, बस इकाई का लेते जाओ, देखो यहाँ पे 6, 6, 5, 3 आया था, तो मैंने 6 × 6 = 36 होता है 6 लिया, बस 5 × 3 = 15 होता है 5 लिया, और 6 × 5 = 30 होता है, फिर 0 ले लिया, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है, अब यहाँ पर देखो इसमें प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, और ज्यादातर क्वेश्चन लोगों के गलत होते हैं, तो क्यों गलत होते हैं इसको देखो, एक लॉजिक होता है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या कंफ्यूजन होती है। मैंने बोला कि क्वेश्चन कैसा भी हो हमें क्या करना है, इनको हटाना है, बस हमें इकाई का अंक लेना है, तो 5 की पावर कुछ भी हो आता क्या है 5, यहां से 5 आ जाएगा, माइनस 16 की पावर 199 लिखा है, 6 की पावर कुछ भी हो हमें से क्या आता है 6, तो पहले तो इसको हटा दो, हटाना हो नहीं तो 6 की पावर कुछ भी हो हमें से क्या आता है 6। अब यहां देखो 5 − 1 कितना आ जाएगा यहां पे −1, जब भी ऐसी वैल्यू हो जाए माइनस वन आए तो 10 में से इसको हटा दो, 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा 9। अब आप सोच रहे होंगे यहां −1 है तो 10 में से हटा दिया, सपोज करो यहां से −11 होता तो 20 में से हटा देते, सपोज करो −32 होता तो 40 में से हटाते, अगर मान लेते हैं 55 होता है तो 60 में से हटा देते 55 को, है ना, तो जो भी है उसके पहले वाले से घटा देते हैं, एक है 10 में से घटाया 11 होता तो 20 में से घटाते, 32 होता तो 30 में से, 40 में से घटाते, 55 होता तो 60 में से घटाते, है ना,
तो ऐसी कोई गलती नहीं है, बस माइनस में अगर आ रहा है तो ऐसा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, उसका आंसर 9 ही रहेगा। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एक और देखते हैं यहाँ पे, देखो देखो फिर 144 के बाद 133, तो 4 की पावर विषम है तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, यहां से 4 ही आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 माइनस 6 क्या होता है माइनस के 2, तो माइनस का 2 आया मतलब आंसर क्या होगा 8। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 मतलब 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इन पर चलते हैं, ये थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन है, है ना, ये हर किसी पर नहीं बनती, तो इनको आप क्वेश्चन को समझना है आपको। एक क्वेश्चन ऐसे हैं, इनका लॉजिक 90% लोगों को नहीं पता, एग्जाम में भी कम आते हैं, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, तो आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो 90% लोग इसको नहीं कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। करना क्या होता है देखो यहाँ पे, इसमें लिखा है 20 × 50, इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल देख लो पहले होता क्या है, अगर मुझे निकालना है 5 × तो 5 × को मैं ऐसा भी लिखूंगा, 5 × को मैं ऐसे लिखूंगा, और 5 × को ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5, 4, 3, 2 और 1, जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, अगर 4 × निकालना है तो 4 × 3 = 1, ठीक है, तो 5 × की वैल्यू हो जाती है 120। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे निकालना है 4 × की वैल्यू कितनी होती है, तो आ जाएगा 24, ऐसे 4 × 3 × 2 × 1, 3 × का कितना हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6, और 2 × कितना हो जाएगा 2, और 1 × 1, तो देखो 1 × 1 रहेगा, 2 × 2 रहेगा, 3 × 6 रहेगा, 4 × 24 रहेगा, और 5 होता है 120। कितना सिंपल आपको लॉजिक बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो यहाँ लिखा होता, देखो यहाँ पे मैंने लिखा होता 2 × 50, आंसर बताओ इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करते 2 × कन्वर्ट कर लेते 2 × 1 में, तो क्या आ जाता 2 × 1 होता है 2, तो आप बोलते एक क्वेश्चन बन गया 2 की पावर 50। ठीक है, 50 का मतलब है 4 का भाग देते इसमें, तो 4 का भाग देते तो 48 बार चला जाता, बचते 2 से, इस पर मतलब हो जाता 2 की पावर 2, तो हमारा इकाई का अंक आ जाता है 4। ठीक है, अगर सपोज करो क्वेश्चन होता है 3 × 3 × 50, तो आप क्या करते 3 को ही वैसे बदल देते 3 × 2 × 1, 3 × 2 = 6, क्या आ जाता है 6 की पावर 50, और हमें मालूम है 6 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है 6 आता है, तो यहां से क्या आ जाएगा 6। सपोज करो चलो 4 × 50 लिखा है यहाँ पे, उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे 4 × 4 = 12, कितना आ जाएगा 24 की पावर 50, और 24 मतलब 4, और 4 की पावर जब सम होती है तो 6 में बदल जाता है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसमें 6 इसमें 6 इसमें 4। ठीक है, अब अगर मैं 5 × लूं 5 × 50, तब भी आप कन्वर्ट कर लोगे, 5 × का मतलब क्या हो गया 120, 120 की पावर 50, और 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैंने लिख दिया 20 × 50, या मैंने लिख दिया 100 × 50, तब क्या करोगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, यहां से देखो 5 जब हम करते हैं 5 को सॉल्व करते हैं, तो देखो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक गए, कहने का मतलब इसमें 1 5 था और 1 2, जब 5 को 5 से लेके 1 तक लिखना है हमें, तो 5 तो आएगा 1 2 आएगा, और 5 और 2 का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बन जाता है, और 10 का जब किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके इकाई का अंक 0 अपने आप बन जाएगा। अगर 5 में 0 बना तो 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल ले लो सब में 0 आएगा इकाई का अंक, कैसे आएगा 6 करके देखो आप, 6 का मान निकालोगे तो 6 × 5 × 4 × 2 × 3 मतलब 6 × 5 = 4 × 3 = 2 = 1, तो इसमें भी 5 और 2 आए होंगे, तो 5 और 2 मिलकर 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 से 1 तक गया था वो 6 से 1 तक जाएगा, तो 6 × 5 = 4 × 3 = 1, 5 × 2 कितना होता है 10, और 10 का मतलब होता है इकाई का जो यूनिट प्लेस है वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार कुछ करना है
और 10 मिनट रुको, बस सुनने आना है, ठीक है। अब क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का हो गया पूरा। अब क्या करना क्या है इसके बाद देखो। अब मैंने क्या बोला, एक छोटा सा नोट लिखना है, वो बहुत बड़ा ही समझ लेना कि रामबाण औषधि है। कोई भी क्वेश्चन हो, 5 फैक्टोरियल से ज्यादा कोई भी वैल्यू हो बेस में, आंसर 0, इकाई का अंक 0 होगा। क्योंकि 5 फैक्टोरियल की बात का कोई भी नंबर हो, हमेशा उसकी इकाई का अंक 0 होता है, इसको ध्यान में रखना है। बस अब कुछ नहीं लिखना है, 20 लिखाओ, 50 लिखाओ, 100 लिखाओ, फैक्टोरियल लिखा इसका इकाई का भी 0, ठीक है, इसका इकाई का 0 सबका। अब अगर मैं बात करूं कि ऊपर भी फैक्टोरियल हो नीचे भी फैक्टोरियल हो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उससे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बेस से मतलब है। हाँ, फर्क कब पड़ सकता है? फर्क तब पड़ सकता है जब यहाँ कोई और संख्या हो। जैसे कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ 5 फैक्टोरियल से अगर ज्यादा है तो 0 आना है, ऊपर कुछ भी हो। लेकिन अगर देखो यहाँ पे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो 2 फैक्टोरियल की पावर लिख दी है, यहाँ पे 50 फैक्टोरियल, अगर यहाँ 5 फैक्टोरियल लिखा होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने क्या लिखा, 2 फैक्टोरियल की पावर 50 फैक्टोरियल। बात समझने इसको अच्छे से, 2 फैक्टोरियल की पावर 50 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का तो मैं मान निकाल लूंगा, क्या कितना आ जाएगा यहाँ से 2, लेकिन जो 50 फैक्टोरियल है इसका मान कैसे निकालेंगे, इसको इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका भी लॉजिक देखो, यहाँ बहुत छोटा सा लॉजिक है, जल्दी से देखो कि अगर मुझे देखना है कि 20 4 से डिविजिबल है कि नहीं, आप बोलो कि हाँ 4 से पूरे की पूरी विभाजित हो जाएगी 20। ये पता कैसे चला आपको? ये पता ऐसे चला कि 20 होता है 5×4, मतलब 5 और 4 का मल्टीप्लाई करके 20 आ जाता है। तो इसका मतलब 5 से भी पूरी पूरी विभाजित हो गई है, 4 से भी पूरी पूरी विभाजित हो गई, क्योंकि उनका मल्टीपल ही तो है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर, समझना बात को, अगर मैं बोलता हूँ 30 किस किस से पूरा पूरा विभाजित है, तो आप बोलोगे 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 15 से भी रहेगी, और 5 से भी रहेगी, 6 से भी, बहुत सारी संख्या है, क्योंकि है ना इनसे पूरी पूरी विभाजित है। अगर मैं डायरेक्ट करूँ कि 5×6, 5×30 होता है, तो इसका मतलब 5 से पूरी पूरी विभाजित रहेगी 6 से। जिस मल्टीपल में जितनी संख्या है लिख दो आप, 30 को किसी भी मल्टीपल के रूप में लिख दो, वो सभी से पूरी पूरी विभाजित रहेगी, रिमाइंडर नहीं निकलेगा उसमें। तो इस प्रकार हमें जब इसमें क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे, देखना पड़ता है। तो इतनी बड़ी संख्या को वैसे बदलो फिर 4 से भाग दो, वो तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि ये 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल का मतलब है 50×49×48 से लेके 1 तक जाना है। तो इसमें कितने भी गुणित हों, इसमें कहीं ना कहीं तो 4 भी होगा, 4×3×1 तक जाएगा, तो 4 भी होगा। इसका मतलब जो 50 फैक्टोरियल है वो सबसे पूरा पूरा विभाजित होगा, शेषफल नहीं आएगा। समझना बात को, ये बात हर किसी को पता नहीं चलेगी कि क्या बोला मैंने, लेकिन कुछ लोग समझ गए होंगे क्या बोला। देखो यहाँ पे 50 फैक्टोरियल, हम खुद फैक्टोरियल को लेते हैं, 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है, 4×3×2×1, मतलब जो 4 फैक्टोरियल से जो भी संख्या आएगी वो 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी, 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी, 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल के बाद कोई भी फैक्टोरियल हो वो सबका सब 4 से विभाजित होगा, क्योंकि 4 में तो 4 आ रहा है, तो 5 में भी 4 आएगा, 5×4×3×2×1, ठीक है। तो कहने का मतलब, ऊपर 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या हो, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, उसको हटा के उसको सीधा हटा दो, उसकी जगह रख दो 4 सीधा, क्योंकि 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, मतलब शेषफल कुछ नहीं निकलेगा। और मैंने बोला था जब भी शेषफल कुछ नहीं आ रहा हो तो 4 लिखते हैं, सीधा 4 लिखना आपको बस। और इसका तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 आप जानते हो, 2, 4, 8, 6, इसका कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो बस मैंने बताया क्या, एक मिनट में और देख लो बस इसको, मैंने बोला कि बेस में 5 फैक्टोरियल से ज्यादा कोई भी संख्या हो तो इकाई का अंक हमेशा 0 होता है। और अगर पावर बाद में देखें, अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से कम है तो पावर देखते हैं, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है। सपोज करो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है 210 या 213 की पावर 200 फैक्टोरियल, ऐसा लिख दिया है 213 की पावर 200 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 1, 2 तो हटा देंगे, बचेगा क्या, 3। तो 3 की पावर 200 फैक्टोरियल, इसको देखने के लिए मैंने क्या बोला, ऊपर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा कुछ भी हो
नीचे 5 फैक्टोरियल से ज्यादा कुछ भी हो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ऊपर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा कुछ भी हो तो ऊपर सब हटा के क्या कर देंगे, फैक्टोरियल को हम बदल देंगे 4 में, बस 3 की पावर 4 3971 इसको कितना आ जाएगा 1। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।